जो लास्ट टॉपिक है फिफ्थ वो है डायफ्राम। डायफ्राम को यूनानी में बोलते हैं हिजाबे हाजिज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये डोम शेप मसल है, याद रखना ये एक मसल है। ये क्या बनाता है? पोस्टीरियर पार्टीशन बनाता है, किसके किसके बीच में? थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। हाँ, और ये सबसे चीफ रेस्पिरेटरी मसल है। अब देखिए, जब ये मसल है तो जो भी जितनी भी मसल्स होती हैं उनका कोई ना कोई ओरिजिन होता है और उसका कोई ना कोई इंसर्शन होता ही होता है, तो इसका भी कोई ना कोई ओरिजिन या इंसर्शन होगा। अब इसकी जो मसल फाइबर हैं उसमें तीन ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला इसमें जो पार्ट आता है वो है एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा जो है वो है कॉस्टल पार्ट, और तीसरा जो है वो लंबर पार्ट होता है। अब इन सबका अराइजेशन देखिए, क्योंकि ओरिजिन हो रही है तो एक्सटर्नल पार्ट कहाँ से अराइज होगा? अराइज होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ज़ीफी स्टर्नम। ज़ीफी स्टर्नम क्या है? जो स्टर्नम बोन है उसका जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर मैन्यूब्रियम स्टर्नम, फिर उसके बाद क्या आता है? बॉडी ऑफ स्टर्नम, फिर सबसे नीचे क्या होती है? ज़ीफी स्टर्नम। तो जो ज़ीफी स्टर्नम है उसका पोस्टीरियर सरफेस जो है वहाँ से ये अराइज होता है, एक्सटर्नल पार्ट जो इसका है। ठीक, देन कॉस्टल पार्ट आ जाओ। कॉस्टल पार्ट कहाँ से अराइज होता है? कॉस्टल वर्ड से देखो, कॉस्टी किसका नाम है? ये रिब्स का दूसरा नेम है, मतलब इसका कोई ना कोई रिलेशन रिब से होगा। तो ये कहाँ से अराइज होगा? इनर सरफेस से 7 से लेकर 12 रिब्स तक, 7 to 12 रिब्स के जो इनर सरफेस है, दोनों साइड, बोथ साइड होती है ना रिब्स, एक साइड तो होती नहीं, दोनों साइड से अराइज होगा। थर्ड जो है वो है लंबर पार्ट। अब लंबर से कौन सी वर्टिब्रा याद आ रही? लंबर वर्टिब्रा, तो ये कहाँ से अराइज होंगी? L1 से L2 वर्टिब्रा तक। अब इसका इंसर्शन देखिए कहाँ होता है? इसका इंसर्शन होता है सेंट्रल टेंडन पर। अब सेंट्रल टेंडन कैसा दिखता है? जो सेंट्रल टेंडन है वो ट्राई लोबर शेप में होता है, और इसमें ये किससे बना होता है? तीन लीफलेट से, तीन लीफलेट, तीन पत्तियों की तरह से बना होता है, लेकिन उनका शेप देखो पत्तियों की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बीच वाला मिडिल वाला होगा वो कैसा है? ट्रायंगुलर। और जो राइट और लेफ्ट लीफलेट है वो होंगी टंग के शेप में, जबान के शेप में होंगी। अब डायफ्राम है, डायफ्राम में ओपनिंग होती है जिसके जरिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। तो इस तरीके से इसमें तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग होती है, सॉरी तीन ओपनिंग होती हैं, स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे होते हैं, तीन ओपनिंग होती हैं। पहली ओपनिंग है एओर्टिक ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग है वो है इसोफेजियल ओपनिंग, तीसरी ओपनिंग है वो है वेना केवल ओपनिंग। सबके नेम से इनके स्ट्रक्चर्स में एक एक चीज़ें आ जाएंगी, एओर्टिक, इसोफेजियल और वेना केवल ओपनिंग। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो एओर्टिक ओपनिंग होती है वो प्रेजेंट होती है किस लेवल पर? T12 वर्टिब्रा पे, यहाँ पर इस ये वाली ओपनिंग प्रेजेंट होगी। अब नेम से एओर्टिक ओपनिंग है, मतलब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर ट्रांसमिट करेगा? सबसे पहले आ जाएगा एओर्टा, उसके बाद आएगा इसमें थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन। इसोफेजियल ओपनिंग है, अब ये कहाँ पे किस लेवल पर प्रेजेंट होगी? T10 वर्टिब्रा पे। अब इसमें से जो स्ट्रक्चर्स पास होंगे इसोफेजियल से, सबसे पहला क्या हो जाएगा? इसोफेगस। इसके साथ साथ इसोफेजियल वेन है, इसोफेजियल आर्टरी है, वेगस नर्व भी है, और इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ पे पढ़ाया था हमने? इसोफेगस में पढ़ाया था, किसमें? ब्लड सप्लाई में पढ़ाया था, और वेनस ड्रेनेज में बताया था कि इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दोनों में है। ठीक है, गुड। अब वेना केवल ओपनिंग आ जाओ। वेना केवल ओपनिंग जो होगी वो किस कहाँ पे प्रेजेंट होगी? किस वर्टिब्रा पे? T8 वर्टिब्रा पे। और ये इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ट्रांसमिट होगी? अब वेना केवल है तो मतलब इंफीरियर वेना केवल आ ही गया, और राइट फ्रेनिक नर्व भी इसमें होती है। इनके नेम से एक एक स्ट्रक्चर इसके अंदर वही सेम हो गए, और लेवल याद करने का तरीका T12 से सब में दो दो कम कर दो, T12 ओटिक ओपनिंग, T10 इसोफेजियल ओपनिंग, और T8 वेना केवल ओपनिंग। ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई तीनों के तीनों सेम है, फेनिक्स आर्टरी वेन नर्व तीनों के तीनों वही कर देने हैं। और नर्व में, बस नर्व में जो है वो C3, C4 और C5 लेंगे।
ये वाली नर्व्स लेंगे। अब इसकी अप्लाइड में सबसे पहले है, अप्लाइड को क्या बोलते हैं पता है, तिब्बी तशरीह, बयां करिए तिब्बी तशरीह। अब हिकअप्स, मतलब अगर किसी को हिचकियाँ आ रही हैं तो ये किस वजह से हुई, स्पास्मेटिक कंट्रैक्शन की वजह से, किसी का कोई प्यार व्यार नहीं याद कर रहा है, अगर किसी को हिचकियाँ आ रही हैं इसका मतलब क्या हुआ, स्पास्मेटिक कंट्रैक्शन। अगर आपके कोई दोस्त या कोई भी किसी के भी हिचकी आ रही हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि आपका प्यार आपको याद कर रहा है, आपके घर वाले याद कर रहे हैं, आप किस फील्ड में पढ़ रहे हैं, मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट बोलोगे ये तो स्पास्मेटिक कंट्रैक्शन है डायफ्राम का, समझे। नेक्स्ट जो है वो है शोल्डर टिप पेन, शोल्डर टिप पेन, जब शोल्डर यहाँ पे जो शोल्डर की टिप है यहाँ पे पेन होता है, वो किस वजह से होता है कि जो डायफ्राम है उसके अंदर इरिटेशन हो जाता है, ठीक, और इरिटेशन जब होगा उसके अंदर इसी वजह से एक रिफर्ड एक्शन होगा और रिफर्ड पेन होगा, कहाँ पर, शोल्डर पे। और ये किस वजह से होता है, इसमें जो फ्रेनिक नर्व होती है और जो क्लेविकल में सुपरा क्लेविकुलर नर्व होती है उनकी जो रूट वैल्यू है, मतलब जहाँ से वो आती जाती है उनकी जो रूट वैल्यू वो एकदम सेम है, टू कॉपी है, एकदम सेम है। इसी वजह से जब भी इरिटेशन होगा यहाँ पे तो जो पेन होगा वो शोल्डर के टिप में होगा। लास्ट है हाइटल हार्निया, हाइटल हार्निया बिल्कुल सिंपल, हमने पढ़ाया था इसमें तीन ओपनिंग थी, तो जो उसमें दूसरी वाली ओपनिंग थी इसोफेजियल ओपनिंग जो है डायफ्राम की, तो उसके थ्रू जो स्टमक का ऊपर वाला जो एंड होता है, कार्डियक, दो एंड होते हैं, कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड होता है, जो उसका कार्डियक एंड है वो थोरेक्स के अंदर चला जाए तो वहाँ पर हो जाती है हाइटल हार्निया। जाबे हाजिस डायफ्राम कंप्लीट।